दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसी जानकारी लेकर के हाजिर हैं जो 10,000 रुपए से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आप उससे पैसे तो कमा ही सकते हैं लेकिन वह बिजनेस ऐसा है कि ग्राहक आपके पास दौड़ते हुए आएगा। ध्यान दीजिएगा, ग्राहक जो है वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे, यानी कि ऐसा बिजनेस जो कि एक तरीके से हर एक एरिया में देखेंगे तो बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर वह बिजनेस माना जाता है जिसमें कस्टमर दौड़ते हुए आता है, यानी कि एक बार अगर उसके कान में आवाज जाता है तो दोस्तों वह ग्राहक दौड़ते हुए घर से बाहर निकलता है और आपके यानी दुकान के सामने या दुकान पे या आपके शॉप पे जो भी आप समझे आपके पास चल करके खुद आता है। ऐसे बिजनेस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने सोचा कि आज का जो टॉपिक है ये तो एक अलग टॉपिक है ही, लेकिन मैं ये आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि आप चाहें तो एक गरीब है, अनपढ़ है या बेरोजगार, इन तीनों में कोई भी है तो दोस्तों आप जरूर इस बिजनेस आइडिया को समझें और लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए। दोस्तों जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं वह एक ऐसी जानकारी है कि ग्राहक जो है अपने घर से दौड़ते हुए वो आपके बाहर आएगा, यानी कि वह लगभग 10,000 रुपए अगर आपके पास पूंजी है तो आप बिजनेस शुरू करेंगे और ग्राहक को आपके पीछे दौड़ते रहेंगे, मतलब ग्राहक आपके पीछे दौड़ते रहेंगे, यानी कि इतना ज्यादा डिमांड होगा। और दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम आपको बताएंगे उस बिजनेस की खासियत एक और चीज है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। उस बिजनेस की खासियत यह है कि वह 12 महीने चलने वाला, पूरे साल कमाई करने वाला, ताबड़तोड़ कमाई करने वाला बिजनेस माना जाता है। दोस्तों अगर 2024 में अगर आप उस बिजनेस को शुरू करते हैं तो निश्चित ही दोस्तों उसका डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में है और उस बिजनेस को शुरू करने के दो कंडीशन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज का मैं जो जरूरी चीज है मैं आपको बता देता हूं, आज का इंट्रोडक्शन है मैं आपको करा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VK2 चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ये सब काम आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से नए लोग आते हैं जो हमारे चैनल पर, उनको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे हर एक कंटेंट जो है वो आपसे ही जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हर एक प्रकार का बिजनेस, चाहे पार्ट टाइम बिजनेस हो, लॉन्ग टाइम यानी पूरे दिन बिजनेस करने वाला व्यापार हो, मतलब पूरे दिन काम करने वाला व्यापार हो, या कोई भी ऐसा व्यापार हो जो कि एक गांव गरीब इंसान से जुड़ा हुआ है, दोस्तों यहाँ पे उसी बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से बात किया जाता है। तो दोस्तों ये सब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एल का नोटिफिकेशन आपको हमेशा आप मतलब दबाएंगे तो आपके पास जो है जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। उसके बाद दोस्तों वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कोई ऐसे दोस्त हैं, यार हैं जो बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो उनको आप वीडियो शेयर करके भी उनसे एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप मान करके चलिए कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या ऐसा बिजनेस कर चुके हैं जिसमें आपको उतना नॉलेज नहीं है और आपका बिजनेस कम चल रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में कि मैं ये बिजनेस किया हूं उसको सही तरीके से कैसे चलाया जाए, या आप जब चैनल पे जाएंगे तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, वहां नंबर भी दे रखा है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आप मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा या अगर आपका बिजनेस अच्छा भी चल रहा है तो आप लिख दीजिए कि हाँ मैं ये बिजनेस किया हूं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों इस तरीके से भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा अगर आपके मन में कोई सवाल वगैरह है तो। लेकिन चलिए हम देर न करते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, क्योंकि 10,000 रुपए बहुत मायने रखता है और 10,000 रुपए में अगर आप रोजाना 500 रुपए भी अगर रोज कमाते हैं तो दोस्तों वह बिजनेस खराब नहीं है। इसलिए मैं जो जानकारी लेकर के हाजिर हूं उस वीडियो को, इस बिजनेस को, इस आइडिया को बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं जानकारी आपको देता हूं आपको पता ही है कि 100% सत्यता के साथ मैं आपको हर एक जानकारी देता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप चाहे कहीं भी घूम लीजिए, कहीं भी आप काम कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपका बिजनेस सही सलामत चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, आप पैसे कमाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे बिजनेस की तलाश करते रहते हैं जो कि बहुत से ऐसे बिजनेस लो हो जाते हैं आगे चलकर। मान लीजिए नया नया है तो ठीक है, आगे चलकर वो लो हो जाते हैं, इसके लिए दोस्तों लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कभी लो में नहीं चलते, मतलब कभी भी वो लो नहीं होते, मतलब एक रफ्तार में चलते हैं, तो बस वो चलते ही रहते हैं, बस आपको समझ कर उस बिजनेस को करने की जरूरत है। तो दोस्तों वही बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को करता है, ये भी मैं बता देता हूं, जो इस बारे में जानता है वही इस बिजनेस को करता है। और आप देख सकते हैं उस व्यक्ति को कि वह और कोई काम नहीं करता, उसी से उसका पूरा 12 महीने इनकम होता रहता है, यानी कि मन चित लगाकर वह व्यक्ति वह काम करता है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि 10,000 रुपए पूंजी, मैंने ज्यादा बता दिया, लेकिन 10,000 में चलिए अगर आप शुरू कर लेते हैं तो आप उस बिजनेस से कम 500 रुपए की कमाई प्रतिदिन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं, उस बिजनेस का नाम है चाट और पानी। दोस्तों चाट और पानी पूरी का जो बिजनेस है वह एक तरीके से समझ करके चलिए कि वह बिजनेस पूरे 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। और उस बिजनेस में देखिएगा तो कभी भी घाटा लगने का तो कोई चांस नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप उसको बना करके तैयार कर देते हैं तो दोस्तों आप घुमा करके बेचते हैं ना, तो भी दोस्तों आप बहुत आसानी से सारा मटेरियल बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें जो सबसे खास बात है, जो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जो सबसे खास बात उसमें यह चीज होता है कि उसमें लोगों को जानकारी कम होती है, मतलब बनाने की जानकारी कम होती है, उसको किस समय पर क्या चीज का उपयोग किया जाता है, क्या क्या मटेरियल डाला जाता है, इस तामझाम के जरिए बहुत से लोगों को ये बिजनेस पसंद नहीं आता है। लेकिन दोस्तों 10,000 अगर लागत, अगर आप, मैं जो बता रहा हूं उसमें आप एक ठेला सेकेंड हैंड अगर खरीद लेते हैं, ठेला जिसको एक तरीके से जिस पे ये सारा सामान आप रख सकते हैं, दोस्तों अगर सेकेंड हैंड ठेला के जरिए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही मैं कह रहा हूं, इस बात को आप पूरा विश्वास में ले लीजिए, अगर आप सही तरीके से बनाकर बेचते हैं, सही रूप में अगर आप उसको बेचते हैं, तो दोस्तों ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप उसमें कमाई कम नहीं कर सकते, आप कमाई आपकी ज्यादा होगी। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को इस बिजनेस को करके पैसे कमाते हुए भीड़ भाड़ सड़क चौराहे चलते फिरते स्कूल कॉलेज हर जगह मैंने उस एरिया में लोगों को कमाते हुए देखा है। और दोस्तों इसमें सबसे जो खास बात यह है कि इस बिजनेस में जो भी लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, आप भी ये बात जान लीजिए कान खोल करके कि ये बिजनेस शुरू करते हैं, उन लोगों को आप देख लीजिए कि वह और कोई बिजनेस करते भी नहीं है, वो इसी में अपना पूरा इनकम कमा लेते हैं। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो यह जो बिजनेस है यह लाइफ टाइम ही बिजनेस माना जा सकता है, कि यह लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि जो इसका मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वह भी एक तरीके से खत्म नहीं होने वाला और उसका डिमांड भी खत्म नहीं होने वाला, खाने पीने से जुड़ा चीज है। तो दोस्तों बहुत से लोग इस तरीके के पानी पूरी चाट बनाकर बेच करके पैसे कमाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप चाहें, आपके जितना समय आपके पास है उस सुबह से लेकर शाम तक आप इस बिजनेस को करें और पैसे कमाते रहे। दोस्तों इस बिजनेस में मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 100 रुपए का लागत लगाएंगे और 500 कमा लेंगे, मैं ये बात आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन हाँ मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं बस इतना जानता हूं कि आप चार्ट बनाते हैं अगर बेहतरीन क्वालिटी का, तो थोड़ा अगर कम ही, अगर आप एक तरीके से जो कागज की जो कटोरी होती है जिसको एक तरीके से जिसमें चार्ट लोग परोसते हैं चार्ट, तो दोस्तों वह जो कटोरी है उसमें आप कम ही उसमें परोस रहे हैं, मतलब कम ही उसमें आप दे रहे हैं ग्राहकों को, लेकिन टेस्ट अच्छा है, स्वाद अच्छा है, तो दोस्तों ग्राहक आपको पैसे दे करके जाएगा। दोस्तों यही सब चीजें, बहुत चीजें जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने अगर नॉर्मली, मैं बता रहा हूं मान करके चलिए कि हमारे बात पर विश्वास मत कीजिए, नॉर्मली अगर आप कहीं चाट खाने जाते होंगे या पानी पूरी जो है आप खाने के लिए जाते होंगे, तो दोस्तों ये सब चीजें आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि जो व्यक्ति वो उस बिजनेस को किया हुआ होता है वह भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता है या चौराहे पर वह बिजनेस शुरू किया हुआ होता है, तो दोस्तों आपने वो चीज दृश्य देखा होगा कि दोस्तों उसके पास ग्राहकों की संख्या कम नहीं होती है। अगर मैं इसलिए कह रहा था कि ग्राहक आपके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि अगर आप गांव में लेकर के इसको घूम रहे हैं
इस बिजनेस को शुरू करके अगर गांव में लेकर अगर आप चक्कर लगा रहे हैं तो दोस्तों हमारे यहां मतलब कहा जाता है जब लोग चार्ट बनाते हैं ना तो उसमें होता है एक पलटा, और पलटा जब वो कढ़ाई जो होता है कढ़ाई पर लोग क्या करते हैं उस पर बजाते हैं, यानी कि उसको जो आलू का जो आलू मटर जो होता है जो चार्ट बनाया होता है उसको जब बजाते हैं उस पर, तो दोस्तों लोग अपने घरों से निकल करके आते हैं और उसको खरीद करके खाते हैं। कहीं एक जगह अगर आप मान लीजिए उस बिजनेस को किए हैं और आप गांव में ठेला से लेकर के जा रहे हैं चाट और छोले चाट और ये सब जो चीजें हैं पानी पूरी इन सब चीजों को लेकर गांव से आप गुजर रहे हैं, तो दोस्तों उसका जो पलटा होता है जिससे आप तैयार किया जाता है जिसको चलाया जाता है चाट अच्छे तरीके से छोले अच्छे तरीके से बनाया जाता है दोस्तों वह चीज आप देखेंगे ना तो मैं आपको बता देता हूं कि लोग उसका जब आवाज सुनते हैं टंकार की ध्वनि जब कढ़ाई पे बजती है, कढ़ाई जो होती है जिसपे ये सब चीज गरम किया जाता है दोस्तों जब पलटा और कढ़ाई जब बजती है तो दोस्तों घरों से लोग मैंने आंखों से देखा है घरों से लोग बाहर निकलते हैं उसको खरीद कर खाने के लिए दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा था कि ग्राहक उसमें आपके पास दौड़ करके आएगा। तो दोस्तों ये सब घूमने फिरने वाले बिजनेस है, चलते फिरते बिजनेस है, ये एक तरीके से चलता फिरता रेस्टोरेंट भी कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं लेकिन मैं यही बस समझता हूं कि यह छोटी पूंजी का बिजनेस एक गरीब आदमी भी शुरू कर सकता है, इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, इसमें बस हुनर की थोड़ा बहुत जरूरत है और बिजनेस पैसे कमाना शुरू। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आप मैंने ये समझा कि आपने काफी कुछ समझा होगा, काफी कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ हेल्प तो आपको जरूर मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह के आपके कंटेंट हर एक प्रकार के वीडियो में आपको मिलता रहेगा अलग अलग तरीके के, जो गांव में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उसी के बारे में मैं हर एक वीडियो में जानकारी देता हूं। तो उम्मीद के साथ यह आज का वीडियो समाप्त करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।